जिस व्यक्ति ने हृदय की खोज की वह वास्तव में प्रतिभावान था। इसके प्रमुख कार्यों में रक्त को पंप करने की शक्ति शामिल है और इसे मानव शरीर का इंजन माना जा सकता है। हृदय का आकार हमारी मुट्ठी जितना हो सकता है, फिर भी यह मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। एक वयस्क का हृदय हर दिन 1,00,000 से ज्यादा बार धड़कता है। हर धड़कन में लगभग 60 से 80 मिलीलीटर रक्त पंप करता है और दिन भर में कुल मात्रा 7,000 लीटर तक हो सकती है। हृदय की प्रत्येक धड़कन मजबूत और शक्तिशाली होनी चाहिए ताकि 49,000 किलोमीटर लंबी मानव धमनियों में संवहनी प्रणाली बनी रहे। ये उत्तरदायी इलेक्ट्रिक सिग्नल हृदय को नियमित लय और प्रारूप में सिकुड़ने के लिए सशक्त बनाते हैं। हृदय में 4 खोखले कक्ष होते हैं, बाएं और दाएं अलिंद, साथ ही बाएं और दाएं निलय। प्रत्येक के अपने कार्य हैं। बायां अलिंद ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त को स्वीकार करता है और बायां निलय के जरिए शरीर भर में संचारित करता है, तथा दायां अलिंद और दायां निलय से कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त फेफड़ों तक भेजकर गैस के आदान प्रदान की प्रक्रिया को संपन्न करता है। मस्तिष्क भी सामान्य रूप से काम नहीं कर पाएगा। एक बार जब हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, हमारा शरीर आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्राप्त करने में असमर्थ होगा और शरीर के अन्य अंग भी कार्य करना बंद कर देंगे और जीवन भी अंत की ओर बढ़ जाएगा।